नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारे वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनके उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर ऐसे ही किसी विषय पर उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे कि उनकी राय क्या है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार अब पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। सरकार प्रधानमंत्री G7 की बैठक में गए और वहां उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जैसे कि वो दुनिया के बड़े नेता हैं और दुनिया के तमाम बड़े नेता उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक बैठे हुए हैं। भारत के तमाम टीवी चैनल उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं और उनका रुतबा उनसे कम नहीं है। वैसे में एक सवाल ये उठता है कि जब सरकार अपने पूरे इकबाल के साथ काम करते हुए दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ने की कोशिश कर रही है, वो इमेज वो पेश कर रही है, वैसे में विपक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का इंतजार है कि दरअसल जब संसद शुरू होगी तभी वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे? क्या राहुल गांधी के इस बात का इंतजार है कि वो अब तभी सरकार के ऊपर उनकी आलोचना करेंगे या तीखे हमले करेंगे जब वाकई में संसद शुरू हो जाएगी? आखिर किस बात का उनको इंतजार है? जब सरकार पूरी इकबाल के साथ काम करना शुरू कर चुकी है तो विपक्ष को भी अपने इकबाल के साथ काम करना शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार का जो विपक्ष है वो 2014 और 2019 की तुलना में मजबूत है। इस बार कांग्रेस पार्टी 2014-2019 की तुलना में ज्यादा पावरफुल दिखाई पड़ती क्योंकि उसके ज्यादा सांसद लोकसभा के अंदर है। अगर 2014 में उसके पास 44 सांसद थे तो 2019 में उसके पास 52 थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़ के 99 हो गई है और उम्मीद की जाती है बढ़कर 101 हो जाएगी। राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े हैं, वायनाड और रायबरेली से, और उनके जीत का अंतर दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के अंतर से कम दुगुना है, तो अपने आप में कहानी कहते हुए दिखाई पड़ती। तो ऐसे में हम श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल विपक्ष चुप क्यों है, क्यों चुपचाप है, राहुल गांधी क्यों कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या राहुल गांधी को समय का इंतजार। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने सवाल पूछा, सवाल उठाया, क्यों विपक्ष इस वक्त चुप दिखाई पड़ रहा है या शांत दिखाई पड़ रहा है? कहीं तूफान के आने के पहले की शांति तो नहीं है? देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अचानक से कहां गायब हो गए। जैसा कि वो होते रहे हैं अतीत में, गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो क्या वो देश में रहते हुए विदेश चले गए या कांग्रेस कहां गायब हो गई है? क्योंकि या कुछ कोई साइलेंट एक्शन चल रहा है कहीं अंदर खानों में जो लोगों की नजरों से गायब है। राहुल ने अभी रायबरेली में कहा था थैंक्स गिविंग की जो जनसभा हुई थी जी, कि लड़ाई अब शुरू हुई है। अब वो लड़ाई की शुरुआत दिख नहीं रही है, मतलब जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नजर आ रहे हैं कि जैसे वो पिछले 10 सालों का कंटिन्यूएशन है, कोई चुनाव ही नहीं हुए हैं, ना वो उनका बहुमत खत्म हुआ है। वो बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह के फोटो इटली से प्रसारित हुए हैं वहां के प्रधानमंत्री के साथ, पोप के साथ गले मिलते हुए। तो अब लोग देखना चाहते हैं कि राहुल किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस किस चीज की कर रही है, या इंडिया विपक्ष जो है वो किस चीज की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कोई लड़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, या कुछ जो लड़ाई है उसका गोला बारूद कहीं से प्राप्त होने वाला है, कि कुछ लड़ाई का के बारे में और कुछ चीजें सोची जा रही हैं। जो चीज दिख रही है वो एक ये दिख रही है कि मोदी सरकार अभी तो कायम रहने वाली है, और कायम इसलिए रह सकती है कि अब देखिए, इस साल भी चुनाव है, दो अगले साल भी बिहार है, साल भर हर साल चुनाव है, और देखते देखते हो सकता है मोदी जी 5 साल निकाल दें, जो एक आशंका लगती है जिस तरह का उनका काम करने का तरीका है उसमें ये कोई आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए कि वो 5 साल भी निकाल दें।
एक जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा ये कि नीतीश कुमार इस समय, मतलब एक कमजोर मोदी में नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित और ताकतवर महसूस करते हैं, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि सरकार को खतरा हो या सरकार को गिराए। इसलिए सरकार अब, मतलब कम से कम चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार के कारण तो नहीं गिरने वाली है जी। मुद्दा ये है कि राहुल की दो यात्राओं के दौरान और चुनाव के दौरान भी जो प्रमुख मुद्दा था वो युवाओं का था, मतलब युवाओं की बेरोजगारी, युवाओं का फ्रस्ट्रेशन, उनका डिप्रेशन। और राहुल ने जो घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी किया उसमें भी जो मुद्दा रहा वो युवाओं से संबंधित रहा। युवाओं ने बड़ी संख्या में राहुल गांधी की यात्राओं में भी भाग लिया, सभाओं में भी भाग लिया। ये नीट की परीक्षा का इतना बड़ा घपला हुआ है जी, और इसमें मतलब हजारों लाखों बच्चों और परिवारों को प्रभावित किया है, और मतलब सिर्फ मामला 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क देने का नहीं है, ये एक बहुत करोड़ों अरबों रुपए का स्कैंडल है, जो जिसके तार जो हैं वो कई राज्यों में फैले हुए, जो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, उड़ीसा में, कर्नाटक में, झारखंड में, बिहार में, और बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे समझ में आ रहा है। मतलब ये कभी हुआ नहीं कि 80 से ज़्यादा बच्चों को या 80 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिल जाए, या कुछ एक को 719 और 718 मिल जाए, जो कि संभव ही नहीं है। मतलब 719 और 718 तो संभव ही नहीं है। उसमें यह है कि एक सवाल भी गलत हो जाए तो चार नंबर कम होते हैं, तो 715 मिलना चाहिए, 716 मिलना चाहिए। इतने बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन गायब है। मतलब वो जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई होंगी या सोशल मीडिया पर जो चीज आई होगी कांग्रेस की तरफ से, उसको अगर छोड़ दें तो लोग पूछ रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा मुद्दा हाथ में लगा, कांग्रेस के हाथ में लगा, विपक्ष के हाथ में लगा, युवा इसमें शामिल हैं, तो कांग्रेस ने उसको हाथों हाथ क्यों नहीं लिया या उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जी। आपने देखा होगा कि मतलब ये कांग्रेस के साथ दिक्कत ये कि अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश का व्यापम का घोटाला हुआ था, इतना बड़ा घोटाला हुआ व्यापम का कि उसमें कई लोगों ने की मौतें हुई, कई लोगों को जेल में जाना पड़ा, सुसाइड हुए, सब हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और उसके परिणाम अब कांग्रेस भुगत रही है मध्य प्रदेश में। सफाया हो गया कांग्रेस का वहां से, और उस व्यापम घोटाले के जो नायक थे वो अब केंद्र में मोदी के महानायक के तौर पर बनाकर लाए गए। लोग जानना चाहते हैं, मतलब लोग क्या जानना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के कारण शेयर मार्केट में 31 लाख करोड़ का जो घपला हुआ, जिसको राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा मुद्दा बनाया और इतना विवाद हुआ, एग्जिट पोल को लेकर भी हुआ, राहुल गांधी ने भी उसको खड़ा किया, हमने देखा नहीं कि ये, और जेपीसी की मांग की, और ये जो नीट का मामला है इसको लेकर हमको नहीं लगता, मतलब मैंने नहीं देखने में आया कि कोई बड़े आंदोलन का या सड़कों पर बच्चों को साथ लेकर चलने का इस सरकार के खिलाफ कोई, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पर भी जो हमले हो रहे हैं सबसे ज्यादा वो यूट्यूबर्स के हो रहे हैं। मतलब मैं देख रहा था कि ध्रुव राठी जैसे लोग या और लोग जो हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं पूरी पूरी सरकार। तो और बीजेपी के टाइम पे, व्यापम के टाइम पे तो ये आरोप भी लगा था
कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये सरकार से मिले हुए हैं मध्य प्रदेश में। क्या कारण है, मतलब अगर कांग्रेस को मुद्दों की तलाश है इस सरकार के खिलाफ तो वो मुद्दे हाजिर हैं, तश्तरी में हाजिर हैं, और वो कांग्रेस नजर क्यों नहीं आ रही है? या कांग्रेस अगर नजर भी नहीं आ रही, अगर राहुल गांधी इस समय और कुछ कर रहे हैं तो इंडिया विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, या उनके नेता क्या कर रहे हैं? जो एक बड़ी चीज और है जिसका मैं ध्यान आपकी तरफ दिलाना चाहता हूं वो ये कि मैंने अपने चुनावी विश्लेषण में आप ही के साथ शायद जिक्र किया था कि लोकसभा की कुल 543 सीट्स में से 337 सीट्स ऐसी हैं, 337 मतलब काफी बड़ी सीट है, उसमें से कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली जी, और इनमें भी 5 राज्यों में 0 मिला और 4 राज्यों में एक एक सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी में इस समय संघर्ष चल रहा है इस चीज का पता करने के लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को सीटें इतनी कम क्यों मिली, या 370 क्यों नहीं मिली, या 72 बहुमत क्यों नहीं मिला। और आरएसएस लगातार आक्रमण कर रही है कांग्रेस पार्टी पर, और आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में मतलब आरएसएस ने पहले बीजेपी पर आक्रमण किया, प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से किया, फिर वो आरएसएस के एक और नेता ने किया, और आज योगी और भागवत के बीच में गोरखपुर में बैठक चल रही है। क्या कांग्रेस में कोई खोजबीन हो रही है क्या कि ये जो मैंने आपको बताया कि 337 सीटों में से सिर्फ 26 और 5 राज्यों में 0 और 4 में एक एक सीट मिली और एक राज्य में 3 सीटें मिली, इसके बारे में क्या कोई कांग्रेस अध्यक्ष कोई खोजबीन करवा रहे हैं क्या, या कुछ कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर कोई कमेटी बनी है क्या? मेरे को याद है, मुझे याद पड़ता है कि 2019 की हार के बाद उनके हार कांग्रेस के हार के कारणों के जांच के लिए पड़ताल के लिए एंटनी कमेटी बनी थी जी, उसकी रिपोर्ट में क्या था, उसके कारण क्या थे, क्या उन पर कार्रवाई हुई, उसका कभी पता नहीं चला। हमारी इस बहस का जो मुद्दा है आशुतोष जी, वो ये कि जैसा आपने अपनी भूमिका में कहा कि 2014 में कांग्रेस को इतनी सीटें थी सिर्फ, 2019 में 52 हो गई, 2024 में 99 हो गई, और अब 101 हो जाएंगी। क्या कांग्रेस इस खुशफहमी में डूबने वाली है कि मोदी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए या गिराने के लिए अब उसके पास बहुत बड़ी ताकत है और इतने से काफी हो जाएगा? लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को उसकी जानकारी है क्या कि मतलब क्या कांग्रेस का एजेंडा पूरा हो गया है क्या? जैसा आपने कहा कि क्या वो संसद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बगैर शपथ लिए, प्रधानमंत्री के तौर मोदी तो बगैर शपथ लिए प्रधानमंत्री के तौर पर जैसे फुल फ्लेज्ड प्राइम मिनिस्टर हो, वो वहां हो भी आए, इटली भी चले गए जी। लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या राहुल फिर से सड़कों पर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, उनको क्या विपक्ष का नेता बनना चाहिए कि जनता का नायक बनने के लिए फिर से संघर्ष करने के लिए सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि ये मामला विपक्ष के नेता बनने का नहीं है। ये अभी अगर राहुल खुद कहते हैं रायबरेली में कि लड़ाई अभी जारी है, तो उस लड़ाई जारी होने का कुछ सिरा दिखना चाहिए जी। और मतलब जो आखिर बात कहना चाहता हूं मैं कि मोदी सरकार को कमजोर करने का की जिम्मेदारी आरएसएस पर छोड़कर कांग्रेस निश्चिंत नहीं हो सकती कि
मोदी जी को कमजोर करने का काम तो अब आरएसएस ने अपने ऊपर ले लिया है। ये अभी पूरा जो कांग्रेस का काम था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, और ऐसा लगता है कि एक तरह का जो थोड़ा सा चुनाव के बाद कांग्रेस शायद कुछ थकान मिटाने के काम में जुड़ गई है या बहुत थक गए हैं ये लोग काम करके, और बीजेपी में लगातार काम चल रहा है। तो ये अपनी बातचीत का जो मुद्दा है कि वो राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए हैं, वो दिख क्यों नहीं रहे हैं, और कांग्रेस इतने बड़े बड़े मुद्दे सामने हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच क्यों नहीं है, और राहुल सड़कों पर कब नजर आएंगे। अगर नहीं आएंगे, आप देखिएगा जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हो सकता है मोदी जी इसी तरह से 5 साल गुजार दें और फिर ये लगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो इसलिए मैं ये जो बातचीत है मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि ये लोगों की जो उम्मीदें जगी थी चुनाव के जरिए या परिणामों के जरिए 4 जून के, वो अभी मतलब इसके पहले कि लोग निराश हो जाएं, लोगों को के साथ जुड़ना और लोगों को आश्वस्त करना जरूरी है कि नहीं अभी राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस भी है, सड़क भी है, और संसद के सत्र की प्रतीक्षा नहीं है, एक नए आंदोलन के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।